वरुण गांधी ने दर्ज कराया मान हानि का केस। पंडित नेहरू के साथ मुस्लिमों की तारीफ करते हुए बोले, मुसलमान समाज ताकत है हमारी। बता दे, अपनी बेबाकी के लिए जग जाहिर बीजेपी सांसद वरुण गांधी गाये बगाये अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। अपनी पार्टी के नेताओं और अपनी बीजेपी सरकार के नीतियों पर लगातार सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आते हैं। अब अपने पिता के अपमान पर वरुण गांधी भड़क गए हैं। पिता का सोशल मीडिया पर अपमान पर भड़कते हुए वरुण गांधी ने मानहानि का केस दायर कर दिया है। दरअसल बीजेपी नेता वरुण गांधी ने अपने पिता संजय गांधी का अपमान करने वालों के खिलाफ उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। वरुण गांधी ने अपने पिता का अपमान करने वाले के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने संजय गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर अपने पिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पर वरुण गांधी बुरी तरह भड़क गए हैं। बीजेपी के पीलीभीत सांसद ने शनिवार को अपने 3 वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचकर उन्होंने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मानहानि का केस दर्ज कराया है। बता दे, वरुण गांधी ने मजिस्ट्रेट को दिए अपनी शिकायत में कहा है कि उनके पिता संजय गांधी देश के जाने माने राजनेता थे और पूरे देश में उनका सम्मान किया जाता है। यहाँ तक कि नहीं, आज भी उनका देश में सम्मान है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वाराणसी जिले के भोजपुरी बीर के रहने वाले विवेक पांडे ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर संजय गांधी यानी उनके पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। वरुण गांधी के पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले के ट्विटर हैंडल पर देखने से पता चलता है कि विवेक पांडे राष्ट्रवादी हिंदू महासभा का अध्यक्ष है और बीजेपी महानगर वाराणसी किसान मोर्चा का सदस्य है। वरुण गांधी ने अपनी शिकायत के मुताबिक आरोपी ने खुद को राष्ट्रवादी हिंदू और किसान मोर्चा का महासचिव बताया है। वरुण गांधी ने कहा कि उन्हें बिसलपुर क्षेत्र के बिलसंडा की यात्रा के दौरान आम लोगों ने इस बारे में जानकारी दी। कोर्ट ने वरुण गांधी की शिकायत दर्ज कर ली है और आदेश पारित कर दिया है और सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। वरुण गांधी ने कहा कि मेरे पिता तो पिता, किसी बुजुर्ग का अपमान होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता या किसी भी बुजुर्ग पर अपमानजनक टिप्पणी किया जाता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि नहीं, वरुण गांधी ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो उन्हें स्वीकार होगा। बता दे, वरुण गांधी अपनी बेबाकी के लिए जग जाहिर है। पिछले दिनों बीजेपी सांसद ने पीलीभीत में अपनी सरकार को घेरते हुए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने मुस्लिमों की तारीफ करते हुए कहा था कि मुसलमान समाज हमारी ताकत है। यहाँ तक कि नहीं, वरुण गांधी ने बंजारा की भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो इस बहादुर समाज का सदुपयोग देश निर्माण में करूं। आर्मी में बंजारा रेजिमेंट बनाने की मांग की। कहा कि रक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि वीर बंजारा रेजिमेंट सेना में बनानी चाहिए। वहीं पिछले दिनों बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार की पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखा था कि अपने पत्र में वरुण गांधी ने बरेली के बहेड़ी पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए थे। वरुण गांधी द्वारा लिखे गए इस पत्र में आप साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने कई आरोप लगाते हुए यूपी के पुलिस महानिदेशक को यह पत्र जारी किया था।